हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डीसी जैन। जैसा कि कोरोना वायरस इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, जिसके चलते हुए लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है, तो अब मैं आशा करता हूं कि आप घर पे सुरक्षित होंगे तथा आपके दिमाग में ये चल रहा है कि बोर्ड का पेपर होगा या नहीं होगा। आपका बोर्ड का पेपर मैं क्लियर कर देता हूँ, बोर्ड का पेपर 100% होगा, 100% बोर्ड का पेपर आपके पास होगा। और जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा उसके उसमें 5 या 10 दिन के अंदर ये आपके पास बोर्ड का पेपर हो जाएगा, और इसके निर्देश आपको गवर्नमेंट देती रहेगी, उसका भी ध्यान रखें। अब मैं आज आपको जो है इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि बोर्ड के पेपर में मैथमेटिक्स में एग्जाम में मैक्सिमम नंबर कैसे लाया जाए और किस टाइप से लिखे जिससे आपके नंबर सबसे ज्यादा आए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज का आपका टॉपिक ये है कि बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम नंबर कैसा लाया जाए और टाइम का कैसे मैनेजमेंट किया जाए, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, आपको पता है कि बोर्ड का जो पेपर है वो आपको 3 घंटा और 15 मिनट का आपको पेपर मिलता है। तो आप बोर्ड के पेपर में क्या देखेंगे कि जो 15 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट के अंदर आपको जो भी फॉर्मेलिटीज जैसे पेपर को पढ़ना है, कॉपी पे लिखना है या आप उसके अंदर करें, तो 15 मिनट के अंदर आप बोर्ड का जो पेपर पढ़ने को मिलता है उस पेपर की स्टडी करिए, पढ़िए और उसके अंदर देखिए सबसे इजी कौन सा लगता है। इजी लगता है उस क्वेश्चन को अपन पहले करेंगे और उस क्वेश्चन का जवाब देंगे, फिर इसके बाद जो प्रूफ करने के, क्यों प्रूफ करने में आंसर ऑलरेडी मिलता है तो वो आंसर ला देता है बच्चा, इसलिए इसके बाद प्रूफ करने वाले सवाल करना चाहिए। और अगर यदि आपको पूरे पेपर ढंग से आ रहा है तो आप कंटिन्यू से चलिए। अब इसके अंदर टाइम को कैसे मैनेजमेंट करेंगे ये बात अब आपको मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, आपको पता है कि बोर्ड के पेपर में 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 6 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। उस क्वेश्चंस का जवाब किस किस टाइम से अपने को देना चाहिए, अगर 1 नंबर का आता है, 1 मार्क्स का आता है, तो आपको मैक्सिमम 2 मिनट उसके अंदर लगानी चाहिए, मैक्सिमम 2 मिनट। अगर 2 मार्क्स का आता है मैक्सिमम 4 मिनट लगानी चाहिए, और 3 मार्क्स का आता है तो मैक्सिमम आपको उसके अंदर 5 या 6 मिनट आपको उसको देने हैं, और अगर आपके 6 मार्क्स का है तो मैक्सिमम 10 से 12 मिनट आपको उसके अंदर देने होंगे। इस तरह से आप टाइम टेबल टाइम को मैनेजमेंट करिए। और इसके लिए अभी जो आपके लॉकडाउन चल रहा है उसके अंदर जो भी आपके पास पिछले साल का पेपर है उस पेपर में लेकर उसको सोल्व करें और इस टाइम के अकॉर्डिंग आप मैनेजमेंट करें, तो आपका बोर्ड का पेपर ही नहीं आने वाले कंपटीशन में भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी। अब आपको क्या करना है, अब इसको लिखने का मैनेजमेंट कैसे करना, लिखेंगे कैसे बोर्ड की कॉपी में, तो जैसे ही बोर्ड की कॉपी आपको मिलती है उस बोर्ड की कॉपी के अंदर सबसे पहले आपको जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता है उसको लिखिए। क्यों, आपको मैंने पहले बता रखा है क्या फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है, तो अब बोर्ड के पेपर में आप इसको किस टाइप से लिखेंगे ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, लिखने के लिए प्रोसेस में मैंने क्या कहा, लिखने का प्रोसेस क्या रहेगा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, 1 मार्क्स का है, इसका बोर्ड की कॉपी में आप कैसे जवाब देंगे, कैसे आंसर लिखेंगे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ax2 + bx + cdx, इसका आंसर कैसे देंगे आप, क्या करेंगे आप, बोर्ड की कॉपी के अंदर ये क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, ये तो आपको क्वेश्चन दे रखा है, अब इस पर बोर्ड की कॉपी में आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, 1 है तो 1, जो भी बेस्ट आपको आंसर आ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर आप जैसे दूसरा लिखिए, थर्ड है तो थर्ड, फोर्थ है तो फोर्थ, जो भी है। अब 1 मार्क्स का है, अब आप इसका जवाब कैसे लिखेंगे, पहले तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ लिख देंगे गिवन, और फिर इसके बाद इसका आंसर लिखेंगे। ए, आपको पता है इसका इंटीग्रेशन, x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3, x का इंटीग्रेशन x²/2, जो भी 1 का इंटीग्रेशन x है प्लस करके ये इसका आंसर हो गया। अब जैसे ही 1 नंबर का आंसर कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद, आंसर कंप्लीट होने के बाद उसके नीचे आपको 2 लाइन और 3 लाइन आपको छोड़नी है, इसका ध्यान रखिए, इससे ज्यादा लाइन नहीं छोड़नी। क्यों, बोर्ड के पे जो आपको आंसर शीट मिलती है उसमें लिमिटेड पेज मिलते हैं, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें, है 2 या 3 मैक्सिमम, इसका गलत इफेक्ट नहीं पड़े। ये एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन सेकंड है, आपको ये गिवन है और इसमें अपने को कंटिन्यूस वेरीफाई करना है, जो कि x² + 2 पर 2 नंबर का ये क्वेश्चन। अब आपको इसका जवाब कॉपी में कैसे लिखना है, आंसर लिखिए, जो भी क्वेश्चन नंबर गिवन है वो आंसर है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, आंसर नंबर लिखेंगे, फिर लिखेंगे गिवन fx कंटिन्यूस एट x = 5। अब इसकी डेफिनेशन का यूज करेंगे अपन, f5 = f5 + 0, ये इसकी डेफिनेशन है। 5 को बाहर रखा आपने, इसमें रखा, क्यों, बराबर का साइन इसमें है तो 5 यहाँ रखा, तो 5k + 1 = (limit h tends to 0) f 5 + h,
फाइव प्लस एच आपको लिखना है। अब फाइव प्लस एच का मतलब फाइव से ग्रेटर देन है, तो इसमें फाइव से ग्रेटर देन इसमें यूज होगा। यहाँ रखा अपन ने एच के लिए जीरो पुट कर दी, तो आपके पास क्या गया फाइव के प्लस वन इजिकल टू फाइव फिफ्टीन। कैसे पांच को तीन से मल्टीप्लाई किया फिफ्टीन और ये जीरो गया और ये माइनस फाइव तो प्लेन रह गया। फाइव के इजिकल टू नाइन, तो के इजिकल टू नाइन अपॉन फाइव, ये इसका क्या हो गया ये आंसर हो गया। ये आपको इस टाइप से लिखना है दो मार्क्स के लिए। देखिए अब सिमिलर आपको जो है पहले मैंने टू मार्क्स का समझाया, अब थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में आता है, उसका जवाब कैसे अपने को देना है, उसका आंसर किस टाइप से देना है देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अभी तीन मार्क्स का है। अब इसका आंसर बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखना है, आंसर लिखकर उसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। क्वेश्चन आंसर नंबर 16 ये कंपल्सरी है, ये बोर्ड में मैंने कॉपी में देखा है कि बोर्ड की कॉपी में अधिकतर बच्चे इस बात को नहीं लिखते तो उनके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोर्ड में ये आंसर किस क्वेश्चन का है, क्योंकि इतना टाइम हमारे को मिलता नहीं है। तो हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पर आंसर नंबर 16 आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 16 लिखा, फिर क्या लिखेंगे, अगर प्रूफ करना का है एलएचएस लिखेंगे अंडरलाइन करके, फिर नीचे लिखेंगे वी नो दैट, जिस भी फॉर्मूले का यूज हो रहा है उस फॉर्मूले को आप लिखना ना भूले। क्यों, क्योंकि अगर आपका फॉर्मूला राइट है और आपने कहीं मिस्टेक कर दिया और आरएचएस में आपने आंसर कैसे भी ला दिया तो भी आपको नंबर पूरे मिलते हैं, इसीलिए वी नो दैट। यहाँ मिस्टेक करता बच्चा और क्या क्या सोचता है कि एग्जाम मेरे को आता होगा मैं क्यों लिखूं, ऐसा नहीं सोचता है। ये बात आपको लिखनी है, जितना आप इसको लिखेंगे टाइम को मैनेजमेंट करते हुए तो आपको इस टाइप से नंबर मिलेंगे पूरे, तो इस टाइप से आपको पूरा लिखना है। ये देखिए फॉर्मूले का यूज किया और यहाँ पर भी मैंने फॉर्मूले का यूज किया, कैसे आया ये बात आपके पास लिख दी, इस बात को आपको लिखना है बोर्ड में और ये आंसर आ गया। इस तरह से आरएचएस लिखकर और आपको लिखना है क्या नाम है एच पी लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 26, ये जो है कॉमेंट्स के अंदर पिछले वाले वीडियो में कॉमेंट्स के अंदर आपको ये प्रॉब्लम पूछ गई थी है, उसका आपके पास जवाब है जो इंटीग्रेशन का है और छह नंबर का आपके पास है, कितने मार्क्स का ये छह मार्क्स का है तो उस कॉमेंट्स वाली प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं इंटीग्रेशन के, तो आंसर नंबर 6। अब ये क्वेश्चन है, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर 26 जो भी नंबर है वो नंबर आपको लिखना है। लिखने के बाद अब देखिए आप क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, रेशनलाइज करना है इसका, पॉजिटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, करने के बाद स्टेप आपके पास आया। अब यहाँ पर जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे वो फॉर्मूला आपके पास ही है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपका जो ये क्वेश्चन 10-12 मिनट में होने वाला है उसको आधा घंटा लगेगा और आपके पेपर छूट जाएगा और नंबर आपके अच्छे नहीं आएंगे, मार्क्स आपके अच्छे नहीं आएंगे, तो इसलिए ध्यान रखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी नो दैट साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी बराबर इजिकल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, जो इलेवंथ क्लास में आप ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ चुके हैं, ये बहुत कम यूज करते हैं इसलिए याद नहीं रहता है, तो याद रखिए साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इजिकल टू ए, अपने यूज किया क्या किया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए, ये देखो ये फॉर्मूला। अब इसका यूज करके इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग करने पर यहाँ कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन हो चाहे डेरिवेशन हो कॉन्स्टेंट टर्म्स हमेशा बाहर आते, बाहर लेकर अपने इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ साइन एक्स है, साइन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है कोसेक्स का, इसलिए पहले कोसेक्स इसको चेंज कर लिया कोसेक्स में, कोसेक्स बराबर यू सपोज किया और इसमें कोसेक्स ऊपर है तो साइन एक्स बराबर यू सपोज किया, दोनों का डेरिवेटिव किया माइनस कोसेक्स का साइन एक्स होता है बराबर डी यू और इधर कोसेक्स का साइन एक्स का कोसेक्स होता है डी वी, ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर दी, क्या आया माइनस कोसे डी यू अपॉन कोस स्क्वायर ए, ये कहां से है कोस स्क्वायर ए, देखो यहाँ वन माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस यू स्क्वायर, क्यों आपने इसको यू पुट किया है, सिमिलर ऐसे आपने वी पुट किया है ये वी स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। अब यहाँ ये कॉन्स्टेंट है साइन ए और कोस ए, यू और वी वेरिएबल है, सो यूज फॉर्मूला, अब जिस फॉर्मूले का यूज करेंगे उस फॉर्मूले को आपको लिखना कंपल्सरी है, अगर आपका ये आंसर गलत भी आ गया तो आपका ये फॉर्मूला आपके हेल्प करेगा, मार्क्स अच्छे लाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। एंड यूज इसका इसमें इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो देखिए ये कॉन्स्टेंट है क्या आ गया माइनस कोस ए साइन इनवर्स यू अपॉन कोस ए माइनस साइन ए लॉग वी प्लस, अब इसमें इस फॉर्मूले का यूज किया क्यों एक्स की जगह वी है, वी आपके पास आ गया, अब यू और वी के वैल्यू वापस पुट कर दी, इस टाइप से इसका आंसर आएगा और ये छह नंबर का आपके पास है। जैसा कि मैंने प्रत्येक ईच क्वेश्चन के अंदर बताया कि जैसे जैसे आंसर कंप्लीट होते हैं उसके नीचे आपको दो या तीन लाइन छोड़नी है, इस बात का जरूर ध्यान रखें, ये तीन तीन दो दो लाइन आपको छोड़नी है और आंसर लिखते समय आंसर नंबर लिखना न भूले, अगर पार्ट्स दे रखा है ऊपर पार्ट्स भी लिख दो, पार्ट्स ए पार्ट्स बी पार्ट्स सी डी जो भी आपको दे रखा है उसको लिखिए, इस टाइप से इसका आंसर ये होगा। ये छह मार्क्स का था, अब यदि
मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको ये पता चल गया है कि टाइम कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, बोर्ड में किस टाइप से लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखते हुए आपको इस टाइप से बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। और साथ साथ अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी कहें।